अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मेरा नाम उमैर है और आप देख रहे हैं उमैर्स वर्कशॉप। मैंने आज ये इनक्यूबेटर बनाया है जो कि ऑर्डर पर बनाया है। इसमें तकरीबन 60 अंडे ऑटोमेटिक ट्रे पे चलते हैं और 80 अंडे ऑटोमेटिक ट्रे पे चलते हैं और 80 अंडे हैचिंग ट्रे पे आते हैं। मतलब 18 दिन जो है मुर्गी के अंडे ऑटोमेटिक ट्रे पे रहेंगे, उसके 19-20-21 दिन जो है वो हैचिंग ट्रे पे रहते हैं, उनको मूव नहीं करते हैं। तो ये दो मेन सर्किट हैं जो कि मैंने यूज़ करे हैं, CN101A और W1209। ये जो है वर्कआउट करता है टेम्परेचर के लिए और ये वर्कआउट करता है टाइमिंग के लिए, जो कि हमने जो है मोट ट्रे के लिए सेट करा हुआ है। अब हम देखते हैं कि इनसाइड क्या है। इनसाइड जो है ऊपर की साइड हमने ये लगाई है ट्रे, और ये इस ट्रे में आपके आएंगे 80x और ये बाहर ऐसे आ जाती है पूरी। इसमें आप 80 अंडे रखेंगे और इसको वापस इंसर्ट कर देंगे। 18 दिन इसके ऊपर रहते हैं और 19-20-21 जो है इसके ऊपर रहते हैं, क्योंकि उनको मूव नहीं किया जाता। तो सारे अंडे आप फिर नीचे रख देंगे 19 दिन के बाद। इनसाइड अगर आप देखें तो यहाँ से अगर मैं अंदर भेजता हूँ तो अगर आप अंदर देखें तो ये दो फैन हैं जो कि हवा खींच के बल्ब के ऊपर फेंक रहे हैं, और जो सारी हीट है वो बैक साइड से नीचे आ रही है डायरेक्ट। और नीचे यहाँ पे जो है पानी रखा जाएगा, यहाँ पे इस तरफ पानी रखा जाएगा, डायरेक्ट हीट पानी पड़ेगी, ह्यूमिडिटी अच्छी बनेगी और फिर हीट चढ़ेगी ऊपर 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 वापस इस तरह से रोलिंग होती रहेगी। तो ये एक तरीका है इंक्यूबेटर बनाने का। तकरीबन अगर देखा जाए तो टोटल जो एग्स आएंगे इसमें 160 एग्स आएंगे, और 80 जो है रोलिंग ट्रे पे और 80 जो है हैचिंग ट्रे पे। और इसकी जो टाइमिंग है मैंने करीबी सेट, हर 2 घंटे बाद 1 मिनट चलेगी इसकी ट्रे, जो कि बेहतरीन होता है। यहाँ से हम इसकी सेटिंग करते हैं, हर 2 घंटे बाद 1 मिनट चल के ही ये वापस ऑफ हो जाएगा। तो ये एक तरीका है, इसको हम वापस लॉक कर देते हैं, लॉक नहीं हो रहा, खैर। तो ये इस तरह से वर्क करेगा। अब इसको हम फोर्सफुली ऑन करते हैं ज़रा, तो देखते हैं कि अब ये लाइट चली गई, अभी ऑन हो गया है। अंदर इसकी जो ट्रे है वो स्टार्ट करनी है। अब जो ट्रे है वो रोलिंग हो गई है स्टार्ट, और इसके ऊपर ये मिसाल के तौर पे अगर ये एग है तो ये पूरा का पूरा 360 डिग्री पे रोल हो जाएगा। तो इस तरह से रोटेशन होती रहेगी, हर सारे अंडे 360 डिग्री पे रोल हो जाएंगे। तो एक ये काफ़ी अच्छा जो है ट्रे का सेटअप है, क्योंकि इसमें आपको हाथ नहीं लगाने पड़ते पलटने के लिए, वरना इसमें तो आपको जो है पलटने के लिए हाथ लगाने पड़ते हैं, क्रैक हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, वायरस आ जाता है। तो ये चीज़ें ऑटोमेटिक ट्रे बिल्कुल फुली ऑटोमेटिक है, इसमें अंडे रखें भूल जाएँ, ये वाली सेटिंग है। तो और इसके जो टेम्परेचर है वो भी काफ़ी अच्छा बन रहा है, 37.7 से लेके 37.9 यानी कि 100 फ़ारेनहाइट से लेके 101 के अंदर इसका टेम्परेचर रहेगा, क्योंकि काफ़ी अच्छा इसका टेम्परेचर है। तो ये थी, और ये जो पावर है इसकी 12 वोल्ट 1 एम्पियर पे चल रहा है, और काफ़ी अच्छा इसका रिज़ल्ट आएगा इंशाल्लाह। तो ये है कि अगर आप चाहते हैं इस तरह का इंक्यूबेटर बनाना तो मेरे चैनल पे देखें आप, उस पर उमैर्स वर्कशॉप लिख के सर्च करें यूट्यूब पे, तो मेरी जो वीडियोस हैं इंक्यूबेटर बनाने वाली तो वो आपके सामने आ जाएंगी। तो वो आप देखें, अपना इंक्यूबेटर बना सकते हैं आप। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इसी के साथ अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।